अमरावती लोकसभा माटे भारतीय जनता पार्टी की बैठक पर थी नवनीत राणा नाम की जाहरात थता ज तेओ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े कार्यालय पर पहुंचा था। आ तमाम औपचारिकताओं पूर्ण करी भारतीय जनता पार्टी तरफ थी उम्मीदवारनी जाहेरात बाद नवनीत राणाए राष्ट्रीय युवा स्वाभिमानी पार्टीना तमाम होद्दा परथी राजीनामुं आप्युं छे। चंद्रशेखर बावनकुड़े भारतीय जनता पार्टीनो खेस पहेरीने नवनीत राणानी भारतीय जनता पार्टीमां प्रवेश कर्यो। आ दरमियान चंद्रशेखर बावनकुड़े नवनीत राणाने भगवान हनुमानजीनी मूर्ति अर्पण करी हती। नवनीत राणाए कह्युं हतुं के तेओ वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना विकास संकल्पनाथी प्रेरित थईने भाजपमां प्रवेश्या छे। आ वखते 400 पार करवानुं सूत्र छे, एक सीट अमरावती माटे एनडीए 400 करशे। बावनकुड़े कह्युं हतुं के हनुमान चालीसाना पाठना कारणे तेओ 14 दिवस सुधी जेलमां रह्या अने दावो करी रह्या छे के राणाने अमरावतीमां 51% वोट मळशे अने तेओ जीत नोंधावशे। किसने विरोध किया था? स्थानीय लोगों ने। मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और मुझे बहुत ज्यादा अभी तक मैंने जो पार्टी में काम किया है उसके अध्यक्ष रवि जी हैं और एक महिला कार्य अध्यक्ष करके मैंने उस पक्ष में काम किया है। छोटे संगठना से एक पक्ष निर्माण हुआ, उसमें मैंने कार्यरत थी। अभी ये नेशनल पार्टी है, बहुत सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा पर मैं कोशिश करूंगी कि सबको मेरा परिवार बनाकर इस पक्ष में काम करूं। नवनीत जी, कुछ लोग मंच पर ही है जो कल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से और प्रदेश अध्यक्ष, वो मेरे अमरावती कर हैं और पक्ष के सीनियर सभी पदाधिकारी हैं। और जहां पर मोदी जी की बात आती है, पहली बार अमरावती में कमल ये सिंबल हमारे बैलेट पेपर पे आएगा, मशीन में आएगा, तो हमारे अमरावती कर एक एक व्यक्ति वो कमल सिंबल को जाकर मतदान करेगा। फिर वो पार्टी का सीनियर पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, विधायक है, वो सब एकजुट होकर जब तक टिकट नहीं घोषणा हुई तब तक के वो विषय थे, जैसे टिकट घोषणा होती है वो सब एक परिवार होके हम एकजुट काम करेंगे।